ही कहते हैं, भगवान ने मोक्ष प्राप्ति के लिए ही जीवात्मा को जीवन प्रदान किया है। लेकिन इंसान जीवन पाकर काम, क्रोध, लोभ, मद और मोह आदि में लिप्त हो जाता है। इंसान अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक जाता है। इसका एकमात्र कारण हमारा मन है। मन के बस में रहने वाला मनुष्य जीवन और मौत के चक्र से कभी मुक्त नहीं हो सकता। मनुष्य जीवन दुख और सुख का एक गुलदस्ता है। जीवन है तो संघर्ष है, संघर्ष है तो समस्याएं भी हैं, समस्याएं हैं तो समाधान भी है। जरूरत है तो जीवन को समझने की। एक बार जिंदगी की परिभाषा समझ आ जाए तो फिर सब कुछ आसान हो जाएगा। आइए सुनते हैं एक प्यारी सी कहानी। एक किसान था जो काफी दुखी था। अपने जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को लेकर उदास रहता था और अपने दुख के बारे में लोगों को बताता फिरता था। एक दिन किसी ने उसे सलाह दी कि तुम गौतम बुद्ध के पास चले जाओ, वे तुम्हारी समस्याओं का कोई ना कोई हल जरूर निकाल देंगे। उस व्यक्ति की बात सुनते ही दूसरे दिन वो किसान सीधे महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया। गौतम बुद्ध के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करते हुए उसने बताया कि मैं एक किसान हूं, मैं खेती करके जीवन यापन करता हूं, यहां अपनी समस्याओं का समाधान लेने के लिए आया हूं। दरअसल कई बार हमारी फसल अच्छी होती है तो कभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, इससे मैं बहुत परेशान हो जाता हूं। इतना कहने के बाद किसान ने आगे कहा कि मेरी पत्नी है और वो मुझे बेहद प्रेम भी करती है, पर कभी कभी वो मुझे बहुत परेशान करती है, उससे मैं तंग आ गया हूँ और कभी कभी लगता है कि वो मेरे जीवन में नहीं आती तो मैं कितने अच्छे से रहता। इसी तरह वह अपनी सारी परेशानियां महात्मा बुद्ध को सुनाता रहा और बुद्ध उनकी बातें सुनते रहे। जब तक किसान बात कर रहा था तब तक गौतम बुद्ध कुछ नहीं बोले, वो बस ध्यान से किसान की बातें ही सुन रहे थे। किसान आगे बोला, मेरा एक बच्चा भी है, वो है तो काफी अच्छा पर कई बार मुझे परेशान करता है, मेरा कहना नहीं मानता। उसके ऐसे व्यवहार से मुझे लगता है कि वो मेरा बच्चा नहीं है। ऐसा कहते हुए किसान अपनी सारी परेशानियों को बताता गया। इस तरह किसान ने अपने जीवन का सब कुछ जो उसे सताता था, दुखी करता था, वो गौतम बुद्ध को बता दिया। अब किसान के पास उन्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा। उसका मन काफी हल्का हो गया। महात्मा बुद्ध से सब कुछ कहने के बाद किसान उनसे अपनी परेशानियों के समाधान की उम्मीद लगाए बैठा था। काफी देर तक गौतम बुद्ध के जवाब का इंतजार करने के बाद बेसब्र होकर किसान ने ऊंची आवाज में महात्मा बुद्ध से पूछा, क्या आप मेरी समस्याओं को लेकर कुछ नहीं कहेंगे? तब गौतम बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी किसी तरह से भी मदद नहीं कर सकता। किसान ने महात्मा बुद्ध से ऐसी उम्मीद नहीं की थी। वो उनका जवाब सुनकर हैरान हो गया। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने भगवान बुद्ध से पूछा, आप क्या बोल रहे हैं? क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते? मैंने सुना है कि आप सभी समस्याओं का समाधान करते हैं, तो मेरी समस्याओं का क्यों नहीं करेंगे? महात्मा बुद्ध इस बात पर किसान से कहते हैं, आपके जीवन में जितनी कठिनाइयां हैं उतनी हर किसी के जीवन में होती हैं, और सबको अपनी छोटी समस्याएं भी बड़ी लगती हैं। आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं है जो दूसरों को ना हो। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुख दुख का सामना करना पड़ता है। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हमारे जीवन में सुख और दुख आएंगे ही आएंगे। कई बार हमारे अपने हमें बेगाने लगने लगते हैं, तो कई बार बेगाने हमें अपने लगने लगते हैं। सभी का जीवन ऐसी समस्याओं से घिरा हुआ है जिसका कोई समाधान नहीं है। अगर किसी के जीवन से एक समस्या जाती है तो दूसरी समस्या आ जाती है। ऐसे में तुम एक समस्या का आज समाधान कर लोगे तो तुम्हें कल दूसरी समस्या का सामना करना पड़ेगा। यही जीवन का एक अटल सत्य है।
बुध की बातें सुनकर किसान को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें बोलता है कि लोग आपको महात्मा कहते हैं। मैंने लोगों से ये भी सुना है कि आप सबकी परेशानियां दूर करते हैं, पर समस्या का निवारण करने के बजाय आप मुझे फिजूल की बातें बता रहे हैं। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया था, पर अब मुझे लग रहा है आपके पास मेरा आना व्यर्थ हुआ। मैंने जो भी आपके बारे में सुना था वो सब झूठ है। इतना कहकर किसान वहां से जाने लगता है। तभी उससे भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुमने जो समस्याएं बताई हैं उनका मैं समाधान नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हारी दूसरी परेशानी का निवारण कर सकता हूं। किसान हैरान होकर बुद्ध से कहता है, मैंने जो समस्या बताई उसके अलावा मुझे कोई और समस्या नहीं है, और है भी तो मुझे उसका ज्ञान नहीं है। भगवान बुद्ध किसान से कहते हैं कि आपकी समस्या यह है कि आप नहीं चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी तरह की समस्या हो, खुद को किसी तरह की समस्या न हो। ये सोच रखना ही दूसरी समस्याओं का कारण बनता है। आपको यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी तरह की समस्या होती है। ये सोचना छोड़ दो कि आप इस दुनिया के सबसे दुखी इंसान हो, क्योंकि बाकी लोग भी तो किसी न किसी चीज के लिए परेशान हैं, दुखी हैं। जीवन में सुख और दुख आते ही रहेंगे, उसे कोई नहीं बदल सकता। बस तुम्हें दोनों ही परिस्थिति में खुद को काबू में रखना होगा, तभी तुम हर समस्या का आसानी से सामना कर पाओगे। बुद्ध की बातें सुनकर किसान उनके पैरों पर गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। वो समझ गया था कि महात्मा बुद्ध उससे क्या कहना चाह रहे हैं। दोस्तों, छोटे मोटे दुख हमारे जीवन में लगे रहते हैं, हमारा जीवन ही इन्हीं दुखों के साथ चलता है। अगर हमारे जीवन में दुख और समस्याएं ना हो तो पता नहीं फिर हम इंसानियत कब के खो चुके होते। इसीलिए दुखों का परेशानियों का होना बहुत जरूरी है। ये दुख और परेशानियां ही हमें मजबूत बनाते हैं और एक अच्छे इंसान का निर्माण करते हैं।